गुरुग्राम में प्यार करना गुनाह है। प्यार करना गुनाह इसलिए है क्योंकि अगर किसी युवक युवती ने प्यार किया तो उनके परिजन उनको जान से मार देंगे। गुरुग्राम में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जब एक युवती से प्रेम प्रसंग के मामले में युवती के परिजनों ने युवक की बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि घर के एकलौते चिराग को किस तरह से झूठी शान की खातिर दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। वैसे तो कहने को ये मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, यहां आधुनिकता की कोई कमी नहीं है, लोगों की सोच भी आधुनिक हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्यार के दुश्मन हैं। प्यार के दुश्मन इसलिए कि गुरुग्राम के सोहना इलाके में एक 27 वर्षीय युवक को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने दूसरी जाति की युवती से प्रेम किया। दरअसल गुरुग्राम के सोहना इलाके के रायसीना गांव के रहने वाले 27 वर्षीय कुलदीप, जिसका एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था, परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सोमवार को उसका किसी ने अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद उसको अरावली की पहाड़ियों में ले जाकर पहले तो बुरी तरह मारा पीटा, उसको टॉर्चर किया और उसके बाद उसकी हत्या करके उसको गंदे नाले के पास फेंक कर फरार हो गए। दरअसल रायसीना का रहने वाला कुलदीप, जो कि 27 वर्षीय है, ये सोहना इलाके में ही ऑटो चलाने का काम करता है और ऑटो में स्कूली बच्चों को ये ले जाया और छोड़ा करता है। इसी दौरान जब सोमवार को सुबह ये तकरीबन 8:30 बजे जीडी गोयनका के स्कूली बच्चों को छोड़ने के बाद वहां से निकलने लगा तो उसी दौरान किसी ने कुलदीप का अपहरण कर लिया। परिजनों को इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन दोपहर लगभग 2 बजे कुलदीप के फोन से ही उसके घर पर कॉल किया गया और ये कंफर्म किया गया कि क्या ये कुलदीप का ही नंबर है, और ये कंफर्म होने के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद से ही कुलदीप का फोन लगातार स्विच ऑफ जाने लगा। परिजन परेशान हो गए, उन्होंने सोहना पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की। पुलिस ने काफी खोजबीन की, उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन निकाली। आखिरी लोकेशन निकालकर पुलिस जीडी गोयन का स्कूल भी पहुंची है, जहां पुलिस को कुलदीप का ऑटो खड़ा हुआ मिल गया, लेकिन कुलदीप का कोई अता पता नहीं लगा। लगभग कई घंटों की तहकीकात के बाद आखिरकार देर रात तकरीबन 2:30 बजे जीडी गोयन का स्कूल के पास ही एक गंदे नाले के पास कुलदीप का शव मिला। उसके हाथ पैर बांधे हुए मिले और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी पाए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। गुस्साए परिजनों ने सोहना पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया और काफी संख्या में लोग वहां पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि पुलिस जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक वो इस जगह से हिलने वाले नहीं है। परिजनों ने पुलिस शिकायत में यह भी बताया है कि रविवार को एक सेंट्रो गाड़ी भी रायसीना में कुलदीप के घर के पास पहुंची और वहां पर कुलदीप की रेकी करने लगे। इसी दौरान कुलदीप के ताऊ उस समय उन कार सवारों से मिले। उन्होंने पूछा कि किससे मिलना है तो कार सवारों ने बताया कि वो कुलदीप का घर खोज रहे हैं। तो कुलदीप के ताऊ ने कहा कि कुलदीप अभी यहां पर है नहीं, आप आ जाइए घर पर चाय पानी पीजिए, तब तक कुलदीप आ जाएगा। लेकिन इतना सुनते ही वो कार सवार मौके से फरार हो गए। घर वालों को कुछ शक भी हुआ कि हो सकता है किसी से कुलदीप का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, लेकिन जब कुलदीप से उसके परिजनों ने पूछा तो कुलदीप ने साफ इनकार कर दिया कि उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सोमवार को जब सुबह कुलदीप बच्चों को छोड़ने के लिए जीडी गोयनका स्कूल पहुंचाया तो वहीं से उसका अपहरण कर लिया गया। परिजनों की मांग रही कि जब तक पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक वो वहां से नहीं उठेंगे, लेकिन कई घंटों की वार्तालाप के बाद आखिरकार पुलिस ने समझाकर कुलदीप के परिजनों को भेजा और उसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। लड़का सुबह 7 बजे लड़कियों को लेकर आता है घर से, स्कूल में पढ़ने के लिए आती है, तो यहाँ उन्होंने 8 बजे छोड़ दिया होगा। सोने से वापस हुआ है वो टेम्पू लेकर, जीदी जी के पास उसका टेम्पू खड़ा मिला है जी, हमें लड़का नहीं मिला जी। अब जी यहाँ आए थाना में, यहाँ उसकी गुमशुदा की लिखवाई जी, ताकि नूनू बात है टेम्पू वहाँ पर खड़ा है जी। तो फिर हमारे हम कहना पड़ा तो ये हमारे साथ चल दिया पुलिस वाले जी। तो हम पहुँचे जी एक इसमें है दमदमा रोड पर एक यूनिवर्सिटी CLS सोसाइटी, तो उसमें उसकी लोकेशन जा रही थी फ़ोन की, तो उसकी जो ये गाड़ी गई है इसका नंबर भी उसमें एंट्री हुई अंदर रजिस्टर में लिख रखे हैं जी। हमने वहाँ 2 घंटा लगा जी, पुलिस भी हमारे साथ है, तो वहाँ से हम तो वहाँ ही थे जी। हमारे पास गया कम करीबन 2:30 बजे रात को फ़ोन SSI का, शेर सिंह SSI का,
कि आप यहाँ आ जाओ, एक डेड बॉडी मिली है। हम जी फटाफट वहाँ से गाड़ी उठाई अपने, वहीं पहुँचे। ये है जी गोइंग का, इसमें एक एक वो जाती है जी, एक कच्चा रास्ता, उस पर टायर दिख रही है, और वो एक नाला के पास पहुँचे जी, वहाँ इसकी डेड बॉडी मिली हमें। शक की बात यह है जी, हमें तो इसने लड़का ने बिना बताया कि किसी के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा है या नू है। ये इतवार की बात है जी, एक गाड़ी गई सुबह 8:30-9 बजे के बीच में घर पे जी, तो वो वहाँ से बैक हुई हमारे घर के आगे से। घर पे था मैं अपनी बैठक के आगे, उन्होंने पूछा कि कुलदीप का मकान कौन सा है। मैंने हाथ से बता दिया कि ये है जी, बैठो। तो है नहीं, ये कहीं गाँव में चला गया लड़का। तो जी उनने इतनी पूछी और तीसरा गियर लगाया, चौथा इतनी स्पीड में भगा कि मैं तो 4-51 देखा, और वो नंबर कुछ उसका और देखा नहीं। गाड़ी पहुंच गई कौन की, कैसे कलर की गाड़ी थी? सफ़ेद कलर की है, सेंट्रो गाड़ी है जी। फिर हमारे वो लग रहा है वहाँ सीसी कैमरा, हमने उससे उसका वो निकलवाया। और किसी के ऊपर कोई और शक? और किसी पर तो है नहीं जी, हमें तो सिर्फ गाड़ी का शक है जी। जब उन्होंने भगाई है और उसका नाम पूछा है तो हमें तो है जी। कुलदीप के मोबाइल फोन से उसके घर पर आए कॉल के लगभग 12 घंटों के बाद गुरुग्राम पुलिस कुलदीप के शव को बरामद कर पाई, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट्स, इसके अलावा क्राइम टीमें भी इस पूरी जांच में लगा दी, और पुलिस ने जांच के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी की पहचान वीरेंद्र उर्फ अजय के तौर पर हुई है, जो कि सोहना के ही सांप की नगली का रहने वाला है। पुलिस ने जानकारी दी है कि कुलदीप का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है, और जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वीरेंद्र उर्फ अजय, वो युवती उस अजय की रिश्तेदार है। इसीलिए जब इस प्रेम प्रसंग की खबर युवती के परिजनों को लगी तो उन्होंने कुलदीप के मर्डर की प्लानिंग बनाई, और उन्होंने सोमवार को सुबह जब ऑटो में सवार होकर कुलदीप बच्चों को छोड़ने के लिए जीडी गोविंद का स्कूल गया है, तो वहीं से उन्होंने उसको किडनैप कर लिया। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस पूरी हत्याकांड में कई लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने अजय को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार करने के लिए गुरुग्राम पुलिस की तमाम टीमें जुटी हुई हैं। इसमें कल दिनांक 5 अगस्त 2024 को एक महिला के द्वारा थाना शहर सोहना गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत दी गई कि उसका 27 वर्षीय पुत्र, जिसका नाम कुलदीप है, ऑटो चलाने का काम करता है, वो घर से ऑटो चलाने के लिए निकला था, जो कि घर वापस नहीं आया। तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इसमें संबंधित जो धाराएँ थी उसके तहत FIR रजिस्टर की गई। कल लेट आवर्स में ही गुरुग्राम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सोहना रोड गुरुग्राम में ही एक जगह पर एक व्यक्ति की लावारिस डेड बॉडी पड़ी हुई है। गुरुग्राम पुलिस स्पॉट पर पहुंची और मृतक के परिवारजनों की तलाश करके उसके परिवारजनों से संपर्क किया गया। मृतक के ताऊ के द्वारा एक अन्य लिखित शिकायत दी गई, जिस शिकायत के आधार पर जो अभियोग जो पहले से दर्ज किया हुआ था उसमें हत्या से संबंधित तथा कुछ अन्य धाराएँ ईजाद की गई। और आज दिनांक 6 अगस्त 2024 को इसमें जो हत्या का एक मुख्य साजिशकर्ता था उसका नाम है वीरेंद्र, जो कि सांप की नंगली गांव है गुरुग्राम में, वहां का रहने वाला है, उसको गुरुग्राम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। जो आरोपी था उसे पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि मृतक तथा आरोपी की एक नज़दीकी महिला रिश्तेदार के बीच में कोई प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसकी रंजिश रखते हुए आरोपी के द्वारा अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, अन्य आरोपियों की फिलहाल जल्दी से जल्दी ही तलाश करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरी घटना में गुरुग्राम पुलिस ने हत्या, अपहरण, शव को खुर्द बुर्द करने, SC ST एक्ट जैसी तमाम गंभीर धाराएं लगाई हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कुलदीप का ऑटो तो स्कूल के बाहर खड़ा मिला, लेकिन जिस समय उसका अपहरण किया गया उस समय क्या किसी ने भी आरोपियों को नहीं देखा? क्या किसी ने भी उस समय इस अपहरण की घटना को होते हुए नहीं देखा, जो पुलिस को समय रहते सूचना दे देते और शायद कुलदीप की जान बच जाती। परिवार में कुलदीप कमाने वाला एकलौता था, उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, घर में माँ है, बहनें हैं, जिनका लालन पालन की जो जिम्मेवारी है वो कुलदीप के सर पर ही थी। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस कितने जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बाकी बचे हुए आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।